है दोस्तों, एक साल से छोटे बच्चे को नमक क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों उसके खान पान में हमें नमक शामिल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो भी बच्चा खाता है पीता है, जो भी ब्रेस्ट फीड वो अपनी माँ की लेता है, जो भी फॉर्मूला मिल्क वो पीता है या काओ मिल्क या बफेलो मिल्क जो भी पीता है, उसमें ऑलरेडी सोडियम की मात्रा प्रेजेंट रहती है, नमक की मात्रा प्रेजेंट रहती है, जो कि बच्चे के शरीर को नमक प्रदान करती रहती है। इसलिए डॉक्टर मना करते हैं कि बच्चे को एडिशनल नमक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी फूड होते हैं, जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, जो भी माँ का दूध वो पी रहा है, जो भी काओ मिल्क या बफेलो मिल्क वो ले रहा है, उसमें ऑलरेडी नमक होता है। इसलिए एडिशनल नमक देने की जरूरत बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होती। यदि आप एडिशनल नमक बच्चे को देते हैं तो वो बच्चे की किडनी को इफेक्ट करता है। इसलिए हमें एक साल से छोटे बच्चे को नमक नहीं देना चाहिए, और ना ही एक साल से छोटे बच्चा नमक को वो पचा सकता है, ना ही डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए हमें छोटे बच्चे को नमक नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।